जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब जानेंगे 14 अक्टूबर 2023 को जो कि सूर्य ग्रहण लग रहा है और यह ग्रहण कहां कहां लग रहा है, कब शुरू है, कब समाप्त है, ग्रहण के दौरान क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। विज्ञान में ग्रहण को एक खगोलीय घटना माना जाता है, लेकिन धार्मिक दृष्टिकोण से इसे एक अशुभ घटना माना जाता है। धर्म और ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार ग्रहण के समय नकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगती है। मान्यताओं के अनुसार ग्रहण के दौरान सूर्य ग्रसित हो जाते हैं, जिसका प्रभाव हर मनुष्य और जीव जंतुओं पर पड़ता है। इस बार सूर्य ग्रहण जो कि 14 अक्टूबर 2023 दिन शनिवार को लग रहा है, जो कि इस दिन अमावस्या तिथि है, यह ग्रहण जो कि भारत में दृश्य नहीं होगा। 14 अक्टूबर को लगने वाला ग्रहण जो कि यह एक कंकनाकृत सूर्य ग्रहण भारत में दृश्य नहीं है। यह ग्रहण हवाई, उत्तरी अमेरिका, मध्य अमेरिका तथा दक्षिण अमेरिका दक्षिण भाग को छोड़कर ओजोरेस, उत्तरी अफ्रीका का पश्चिम किनारा, अटलांटिक और प्रशांत महासागर में दिखाई देगा। भारतीय मानक समय के अनुसार ग्रहण प्रारंभ जो कि रात्रि 8:34 पर और मोक्ष जो कि रात्रि 2:25 पे होगा। सूर्य ग्रहण जब भी लगता है तो 12 घंटा पहले ही सूतक काल शुरू हो जाता है। ग्रहण के दौरान जो कि भोजन आदि नहीं करनी चाहिए, इस दौरान सोना नहीं चाहिए। गर्भवती महिलाओं को खासकर ध्यान रखना चाहिए, वह अपने पास जो कि धारदार वस्तुएं ना रखे, और ग्रहण के दौरान जो कि घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। ग्रहण के दौरान भगवान के मंदिर के कपाट आदि बंद हो जाते हैं, इस दौरान पूजन आदि का कार्य नहीं किया जाता है। इस दौरान जो कि भगवान की मूर्ति स्पर्श का निषेध माना गया है, पूजन आदि का कार्य नहीं करना चाहिए, भोजन नहीं करना चाहिए, मल मूत्र आदि का त्याग भी नहीं करना चाहिए। ग्रहण में केवल बालक, वृद्ध और रोगी को छोड़कर अन्य लोगों के लिए जो कि इन बातों को ध्यान रखना अति आवश्यक है। ग्रहण के दौरान खास करके जपा गया मंत्र जो कि सिद्धिप्रद माना गया है, इस दौरान जप का कार्य करते हैं तो यह अनंत फलदायी होता है और इसका कई गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। तो यह ग्रहण जो कि भारत में दृश्य नहीं हो रहा है, इस कारण से भारत में इसका सूतक काल मान्य नहीं होगा। जहाँ पर भी सूतक काल लगता है, जहाँ पर यह दृश्य हो रहा है, उस दौरान जो कि पूजा पाठ करना वर्जित माना जाता है, तो भारत में यह ग्रहण दृश्य नहीं हो रहा है। इस कारण से आप सभी पूजन पाठ आदि का कार्य कर सकते हैं। जितने भी अमावस्या तिथि के दिन ग्रहण लग रहा है तो श्राद्ध तर्पण आदि सभी कार्य किए जाएंगे, भारत में इसकी मनाही नहीं होगी। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।